तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्मा सेल्फ माइक में। तो दोस्तों, आज हमारे पास आई है एक गाड़ी जो कि है बलेरो। दोस्तों, इसका अल्टरनेटर है जो काम नहीं कर रहा है, चार्जिंग बल्ब को जला रहा है लेकिन उसे बंद नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं डैशबोर्ड में कि जो लाइट है हमारी जल रही है, और जब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये देखिए, गाड़ी जब हमने स्टार्ट की है तो ये हल्की सी जल रही है, और जब रेस देते हैं हल्की तो भी जलती है, और जब बहुत ज़्यादा रेस देते हैं तो ये बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इसके अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है, तो चलिए फटाफट से अल्टरनेटर को खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर को हमने गाड़ी से खोल लिया है और चलिए देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये अल्टरनेटर लोकस TVS कंपनी का, तो चलिए फटाफट से इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वैक्यूम को खोल लेंगे। दोस्तों, इसमें तीन नट लगे होते हैं, एक ये और एक ये और एक ये। दोस्तों, तीनों नटों को हम खोल लेंगे तो 10 नंबर TGOT से ये बोल्ट आसानी से खुल जाएंगे। तो दोस्तों, वैक्यूम को हमने खोल लिया है और चलिए इसे साइड में रख देते हैं और फिर अल्टरनेटर को खोलते हैं। तो दोस्तों, अल्टरनेटर में चार स्टड ये लगे होते हैं 8 नंबर के, इन चारों स्टडों को हम खोल लेंगे 8 नंबर TGOT से। तो दोस्तों, चारों स्टड हमने खोल लिए हैं और चलिए इसे अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रूटर हमारा बाहर निकल आया है, और चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं इसमें कि क्या दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा चार्जिंग बल्ब हल्का सा जलता रहता है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो पहले हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसका रूटर, स्टेटर और रेक्टिफायर प्लेट सारा कुछ सही है, और इसमें प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये जो इसके कार्बन है ये कट गए हैं, घिस चुके हैं दोस्तों, जिसकी वजह से कार्बन जो है हमारे स्लिप रिंग पर सही से नहीं लग रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों ये चार्जिंग में फॉल्ट आ रहा है। दोस्तों, चलिए फटाफट से इसकी रेक्टिफायर प्लेट और कार्बन प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसमें जो है कार्बन हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों, इसकी रेक्टिफायर प्लेट और कटआउट को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो 13 नंबर का नट लगा हुआ है, इसे हम जिसमें हमारा मैन वायर लगता है, जिसमें करंट आता है, उससे हम नट को खोल लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, ये जो हमारे 10 नंबर के नट लगे हुए हैं, इन्हें भी हम खोल लेंगे, और उसके बाद दोस्तों हमारी रेक्टिफायर प्लेट बाहर निकल आएगी। तो चलिए फटाफट से इन्हें खोल लेते हैं और रेक्टिफायर प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, सारे नट हमने खोल लिए हैं और चलिए फटाफट से स्टेटर को बाहर निकाल लेते हैं, रेक्टिफायर प्लेट को। दोस्तों, ये रेक्टिफायर प्लेट है, निकल आई है बाहर। दोस्तों, ये है इसकी रेक्टिफायर प्लेट और ये है इधर कटआउट। दोस्तों, कटआउट और कार्बन इसका एक में ही होता है और रेक्टिफायर प्लेट अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम कटआउट को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है एक नट लगा होता है ये वाला, जिसे हम खोल रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों एक पत्ती लगी होती है रेक्टिफायर प्लेट से कटआउट में, उस पत्ती में दोस्तों सोल्डिंग होती है, तो शोल्डर हटा लेंगे हम सोल्डिंग को आयरन की मदद से, और उसके बाद दोस्तों कटआउट हमारा बाहर निकल आएगा। तो चलिए फटाफट से सोल्डिंग हटा लेते हैं। ये वाली जो पत्ती है दोस्तों, इसका सोल्डिंग हटा लेंगे। तो दोस्तों, कटआउट को हमने बाहर निकाल लिया है।
तो दोस्तों इसमें जो ये वाली पत्ती होती है ये सोल्ड होती है, इसीलिए दोस्तों इसे सोल्डिंग हटाना पड़ता है। और दोस्तों इसके कार्बन कट चुके हैं तो कार्बन को हम चेंज करेंगे दोस्तों, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन जो है इसके स्लिप रिंग पर अच्छे से नहीं लग रहे थे, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही थी, तो ये जो कार्बन है इन्हें हम चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों ये पुराने कार्बन जो है इन्हें हम निकाल लेते हैं। दोस्तों इसे हम वायर को इसके काट के निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सोल्डिंग नहीं होती है। तो पुराने कार्बन दोस्तों ये निकल गए हैं। तो दोस्तों जिस जगह पे हम कार्बन के वायर को सोल्ड करेंगे वहाँ पे हम अच्छे से साफ कर लेते हैं ब्लेड से, ताकि अच्छे से सोल्डिंग हो पाए। तो दोस्तों ये नए कार्बन हमने ले लिए हैं, चलिए इन्हें अब हम फिट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें कि कार्बन को किस तरीके से फिट करना है। तो दोस्तों इसके जो वायर है कार्बन का, इसमें हम स्प्रिंग को डाल लेंगे और उसके बाद दोस्तों ये इसमें होल्डर में हम डालेंगे इसे, और पीछे से हमारा वायर निकल आएगा। तो दोस्तों ये वायर हमारा निकल आया है पीछे से, और दोस्तों ध्यान रखना है कार्बन इसमें एकदम फ्री चलना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये कार्बन जाम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसे रमा करना होगा, उसके बाद ही दोस्तों हम इसे फिट करेंगे। तो इस कार्बन को हम निकाल लेंगे और जहाँ से रगड़ रहा है दोस्तों वहाँ पे इसे थोड़ा हम घस देंगे रिकमाल से, और फिर ये दोस्तों एकदम फिट आ जाएगा। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कार्बन को हमने रिकमाल से घिस लिया है थोड़ा सा, और अब ये फ्री है इसमें, और अब इन्हें हम फिट करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे हमने बताया था वैसे ही इसे फिट करना है, पीछे वायर को निकाल लेंगे। दोस्तों वायर निकल आया है, दोस्तों अब इसे हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों कार्बन को पूरा बाहर नहीं रखना है, थोड़ा सा अंदर रखेंगे और इतना ही कार्बन बाहर निकालेंगे, ज़्यादा कार्बन बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ा अंदर ही रखेंगे और उसके बाद इसमें सोल्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों एक कार्बन हमारा फिट हो चुका है और दूसरे को हम फिट कर लेते हैं। दोस्तों इसे भी उसी प्रकार हमें फिट करना है, पीछे इसका वायर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्बन है इन्हें हम दोनों को बराबर रखेंगे, आगे पीछे नहीं। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए हैं, चलिए इस वाले कार्बन को भी हम सोल्ड कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों कार्बन हमारे फिट हो चुके हैं और इन्हें अच्छे से हमने सोल्ड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आप इसे रेक्टिफायर प्लेट में फिट कर लेते हैं जिस तरीके से ये फिट था। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो जो पत्ती हमारी जिससे हमने सोल्डिंग हटाया था उस पत्ती को हम सोल्ड करेंगे, यह पत्ती जो है। तो दोस्तों कटआउट को हमने बैठा लिया है और अब जो ये पत्ती है हमारी इसे हम अच्छे से सोल्ड कर लेंगे और फिर इसे फिट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो नट हमने खोला था जो हमारा कटआउट में लगा हुआ है और इसे हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों कटआउट को हमने फिट कर लिया है, चलिए अब इसे बॉडी में बिठा लेते हैं और अच्छे से इसे फिट कर लेंगे। दोस्तों जो हमने नट खोले थे उन सारे नटों को टाइट कर लेंगे, और जिस तरीके से खोले थे उसी तरीके से हमें टाइट करना है। तो दोस्तों ये जो आप कपलर देख रहे हैं जिसे हम फिट कर रहे हैं, ये दोस्तों तीन काम करता है। तो एक तो दोस्तों इसमें कंडेंसर होता है जो हमारा आपने देखा अल्टरनेटर में अलग से लगा होता है पीले कलर का, दोस्तों वो इसमें ही होता है कंडेंसर। और दूसरा दोस्तों जो है एक दोस्तों इसमें चार्जिंग बत्ती का होता है पॉइंट, और एक RPM का होता है। तो दोस्तों तीन पॉइंट इसमें होते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हें हम टाइट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसे हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे इसी तरीके से नहीं फिट करना है, ये जो कार्बन दिख रहे हैं दोस्तों इन्हें हमें अंदर लॉक करना है, उसके बाद ही हम इसे फिट करेंगे। तो दोस्तों पीछे से एक सेद दे रखा है जिसमें हम तीली डालकर इन्हें लॉक कर देते हैं। दोस्तों जिस तरीके से मारुति अल्टरनेटर में होता है उसी तरीके से इसमें भी हमें कार्बन फंसाने होते हैं। तो दोस्तों
पीछे से हम तीली डालेंगे और अंदर से कार्बन को दबाएंगे उंगली से, और उसके बाद तीली हमारी पड़ जाएगी, फिर हम इसे फिट करेंगे। दोस्तों देखिए तीली हमने डाल ली है और ये लॉक हो गया है, कार्बन हमारे लॉक हो गए अंदर की ओर, और अब इसे हम फिट कर लेंगे और उसके बाद तीली को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों फिट करते समय ध्यान रखें कि जो हमारे स्टड के छेद हैं ये आमने सामने रहें ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो इन्हें विशेष ध्यान दें दोस्तों इनका। तो दोस्तों इसे हमने सेंटर में कर लिया है और चलिए अब तीली को निकाल लेते हैं और फिर इसके स्टड टाइट करेंगे। दोस्तों तो दोस्तों अल्टरनेटर हमारा फिट हो चुका है और चलिए अब इसके वैक्यूम को भी टाइट कर देते हैं। दोस्तों अल्टरनेटर हमारा फिट हो चुका है और चलिए अब इसे हम गाड़ी में फिट कर देते हैं। तो दोस्तों अल्टरनेटर को हमने गाड़ी में फिट कर दिया है और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों चार्जिंग लाइट हमारी जल रही है और गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से वर्क कर रहा है, हल्की रेस पर ही हमारा चार्जिंग बल्ब बंद हो गया है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।